13 दिसंबर 2023 रात की चांदनी में एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय और मनोहर पुरानी हवेली खड़ी थी। पुरानी हवेली के बारे में गांव वाले कई किस्से सुनाते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हर बरसाती रात हवेली से सुनाई देता था एक प्यारा सा गाना। गांव का एक युवक राजीव ने उस गाने का पूरा पता करने का निर्णय किया। एक रात जब बारिश तेज थी, वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा खुला था और राजीव ने अंदर कदम रखा। भीतर से आ रही सजीव धूप की बू गांव की सारी सुगंधित वातावरण में घुल रही थी। हवेली के बीच में खड़ा एक वृत्त जिसमें एक चमकीली पत्थरी थी, राजीव की नजरों को खींच ली। राजीव ने धीरे से पत्थरी को छूने का प्रयास किया और वहां हुआ अद्भुत। उसका हाथ पत्थरी के स्पर्श से सुना और मुग्ध हो गया। एक अजीब सी शक्ति ने राजीव को ग्रहण किया और उसने सुना कि हर बारिश की बूँद में छिपा हुआ रहस्य उस पत्थरी से जुड़ा हुआ था। राजीव का जीवन बदल गया। वह पत्थरी को अपने साथ लेकर गांव में वापस गया। गांव वालों ने राजीव की बातें हंसी में सुनी, लेकिन जब उन्होंने पत्थरी को छूने का प्रयास किया, सब अचंभित हो गए। वह पत्थरी गांव की तकदीर थी, जो बरसाती रातों में सुनाती थी गांव वालों को वह प्यारा गाना। राजीव ने गांव को एक साथ लेकर पहुंचाया हवेली में, जहां एक महान राजा बारिश का राजा बसा हुआ था। राजा ने बताया कि पत्थरी उसकी सिरहाने थी और वह गांव वालों की अद्भुति सुनकर हमेशा खुश रहता था। राजा ने राजीव को आभास कराया कि हर इंसान में अद्भुति शक्ति होती है और उसे खोजने के लिए सिर्फ एक सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। गांव वालों ने समझा कि जीवन की खोज में सही दिशा मिलती है और वे भी अपनी खोई हुई शक्तियों को पहचानने लगे। राजा ने राजीव को धन्यवाद दिया और उसे एक चमकीली मणि दी।